أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Sultan. Please disclose from holding the film industry. Let's start. Okay, guys, we are presenting the data subject elements of set theory and mathematical logic. हम लोगों ने start किया हुआ है और elements का मैंने आप लोगों को logics का आप लोगों को मैंने introduction दे दिया था. Statements का हम लोगों ने देख चुके थे क्या था स्टेटमेंट्स के बारे में. हमने देखे था कि हमें इसको जो वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपोजिशन और फिर कंसेक्टिवनेस और इसके हमने वो बहुत सारे जो थे वो देख ली थी. फिर टॉटोलॉजी देख लिया था. इम्प्लीकेशन अभी हमारा रहता है और इक्विवेलेंस आज मैं करवाती हूँ. कंट्रडिक्शन आज करवाती हूँ. डिडक्टिव रीजनिंग हमारा भी ये रहता है, इसको हम थोड़ा सा करने के रहते हैं. तो आज देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी लास्ट वीक. इसका भी हम लोगों ने आपको लेक्चर में क्लियर कर दिया था. प्रेफरेंस में जाकर हम लोगों ने देख लिया था. तो ये प्रपोजिशन हमें जल्दी जल्दी गो थ्रू करके अपने मेन टॉपिक की तरफ चलती हूँ. प्रपोजिशन आप लोगों ने देखा था कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी दोनों में से कोई एक वैल्यू हो, या तो ट्रू हो टी से हम उसे डिनोट करते थे या तो वो फॉल्स हो उसे हम एफ से डिनोट करते थे. अच्छा, और उसके लिए फिर आप लोगों को बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल्स बताई थी और आज मैं बहुत सारी आपको असाइनमेंट दूँगी क्योंकि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को असाइनमेंट नहीं दी थी. इस वीक आप लोगों को असाइनमेंट दूँगी और आप लोगों ने करनी है. यही फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं रिव्यू करवा रही हूँ क्योंकि असाइनमेंट में फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है. तो फिर जितना भी आज तक पढ़ाऊँगी ना वो सारा की सारी एक्सरसाइज होगी, वो सारी एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी होगी और असाइनमेंट में वो आपने सबमिट करवानी है. अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था पैराडॉक्स. देखा था एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी प्रपोजिशन तो वो होता है जिसमें या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स वैल्यू आए. फिर हमने पैराडॉक्स देखा था. पैराडॉक्स क्या होता है जिसमें या तो सेंटेंस या तो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो, ना वो ट्रू हो ना वो फॉल्स हो, ना उसने सच बोला ना उसने झूठ बोला, तो उसने दरमियान की बात बोली. ऐसी स्टेटमेंट्स ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं. अच्छा, फिर इसके बाद आगे हमने फिर ये एग्जांपल्स भी आप लोगों को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ. इसके बाद मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, सिर्फ मैं अपने मेन टॉपिक पर जाती हूँ. निगेशन आप लोगों ने देख लिया था. एक स्टेटमेंट सपोज दैट कि हमारे पास एक प्रपोजिशन है पी, और निगेशन को हम डिनोट कैसे करते थे? टिल्डा पी से डिनोट करते थे. और ये करता क्या था? करता ये था कि अगर ट्रू वैल्यू होती थी तो उसे फॉल्स कर देता था, फॉल्स होती थी तो उसे ट्रू कर देता था. तो इतना सा काम ही करेगा. और ये हमारा निगेशन थी. इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने देख ली थी. ट्रुथ टेबल्स में मैंने आप लोगों को करवा चुकी हूँ. फिर अगली चीज़ हमारे पास दो होते थे. दो हमने एक तो हमें निगेशन करनी आनी चाहिए किसी भी प्रपोजिशन की. दूसरा हमें उनकी कंजेक्शन अगर हमारे पास आ जाती है दो स्टेटमेंट्स दो प्रपोजिशन आ जाती हैं उनकी कंजेक्शन और उनकी डिसजंक्शन निकालनी आनी चाहिए. कंजेक्शन के बारे में हमने लास्ट वीक देखा था कि वो क्या है. बड़ा स्ट्रिक्ट है. अगर दोनों सच बोलेंगे दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा पी फॉल्स है क्यू ट्रू है फॉल्स आंसर. दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो उसने आंसर आपको फॉल्स देना है. दोनों अगर वैसे फॉल्स हैं तो वैसे भी उसने आंसर फॉल्स ही देना है. लेकिन जब दोनों ट्रू होंगे तब ये आपको आंसर ट्रू देगा. कंजेक्शन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था. डिसजंक्शन ऐसा बनना नहीं है. डिसजंक्शन ये कहता है मैं सिर्फ तब फॉल्स दूंगा जब दोनों आके फॉल्स देंगे, अदरवाइज मैं आपको ट्रू 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 दूंगा. यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है. दिस थिंग इज ट्रूली क्या कह रहा है चलो आ जाओ. दिस थिंग ये है इज ट्रूली इज ट्रू, ये हमें ट्रू आंसर देगा एग्जैक्टली वेन एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू इज ट्रू. दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो मैं आपको आंसर दूंगा ट्रू. वर्ड यूज हो रहा है एटलीस्ट दो वर्ड हैं जो ना बच्चे हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं. एटलीस्ट एक वर्ड होता है एटलीस्ट, दूसरा वर्ड होता है एटमोस्ट. अब एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे वो कह देते हैं कुछ नंबर हैं, जैसे वो कहता है हमारे पास ना पांच स्टूडेंट्स हैं, पांच में से एटलीस्ट किसी एक में पास होना ज़रूरी है. एटलीस्ट का मतलब यह है एक का पास होने का मतलब यह है एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास ज़रूर होते हैं. यही एम कैट या ई कैट में हमारे पास ज़रूर एटलीस्ट एक बच्चा ज़रूर पास होगा. इसका मतलब है इतनी अच्छी अकेडमी है ये जिसमें एक से ज़्यादा एम कैट या ई कैट बच्चे पास करते हैं.
अच्छा, और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट हमारे पास एक स्टूडेंट पास होता है, यही पास करता है. एट मोस्ट का मतलब है या तो एक पास करेगा, या अब आपने नीचे की तरफ देखना है, या तो एक पास करेगा या कोई भी पास नहीं करेगा. एट मोस्ट, एट लीस्ट, जब जो भी नंबर वो बोलते हैं, एट लीस्ट वन, इसका मतलब है वन और इससे ऊपर जितने नंबर है उन सारों की बात हो रही है. वन टू थ्री एंड सो ऑन, एक से ज़्यादा. एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एट मोस्ट का मतलब ये होता है वन. एटलीस्ट मैं कहती हूँ मेरे पास तीन स्टूडेंट्स, एट मोस्ट मेरे पास तीन स्टूडेंट आते हैं. इसका मतलब है या तो मेरे पास तीन आते हैं, या मेरे पास टू आते हैं, या वन आते हैं, या कोई भी नहीं आता. एट मोस्ट का वर्ड मैंने यूज़ किया रिसर्च करने, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं. एटलीस्ट मेरे पास दो आ सकते हैं. एटलीस्ट का मतलब क्या है? दो या दो से ज़्यादा आ सकते हैं. एटमोस्ट दो. तो इस तरह से ये है बस, ये इस तरह से एटमोस्ट और एटलीस्ट का होपफुली आप लोगों को यूज़ समझ आ गए होंगे. तो खैर, अब आप लोगों ने कंडीशन देख लिया, डिसजंक्शन देख लिया, अब चलते हैं आगे. और इसकी एग्जांपल भी हम लोग देख चुके थे लास्ट वीक. हमने ट्रुथ टेबल्स बनाए थे और उधर हमने ये इसको ये भी आपको मैं पढ़ा चुकी थी. अब ये ट्रुथ टेबल्स के थ्रू आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों या तो ट्रू ट्रू होंगी, एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा, दूसरा ट्रू होगा, तीसरा फॉल्स होगा, फिर दोनों फॉल्स फॉल्स होंगे. और इनका कंजक्शन, इनका डिसजंक्शन हम लोगों ने बनाना देख लिया. इसी तरह सेम इसी तरह हम लोगों ने इसका निगेशन भी बनाना देख लिया. अच्छा, अब हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स आई हैं. तीन स्टेटमेंट्स में आप लोगों ने अपना रेडी रखना है. वो कोई भी आपको कोई भी ट्रिक दे देता है. मैं अपने ज़माने में सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ती थी. मेरे लिए मैंने सिर्फ तीन काम सीखे थे इस पूरे सब्जेक्ट में. एक मुझे निगेशन सिखाना आता था, एक मुझे कंजक्शन बनाना आता था, एक मुझे डिस्ट्रक्शन बनाना आता था. जो वो जैसे बोलता था भाई, अब जैसे अब इधर बोल रहा है पी और क्यू का कंजक्शन निकालो, एंड है तो ये तो हमें पता है स्ट्रिक्ट बन रहा है. मैंने पी और क्यू के ऊपर उन्हीं रख लेती थी. पी और क्यू के ऊपर दोनों ट्रू ट्रू है, अच्छा ट्रू, दोनों कोई एक भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स 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 फॉल्स. ये देखो दोनों ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स. वाजिबा मेरा आसानी से बन जाता था. मैंने अपने दिमाग में स्ट्रिक्ट बनाई हुई होती थी. इसी तरह आर की निगेशन निकालनी, ये आर है इसकी निगेशन निकालो, ट्रू 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 को फॉल्स कर दो, फॉल्स फॉल्स को ट्रू ट्रू कर दो. अच्छा, फिर इसके बाद वो कहता है ये और ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों का डिस्जंक्शन निकालो. तो ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कोई एक भी सच बोल रहा है, आंसर ट्रू. ये देखो दोनों फॉल्स बोल रहे हैं, मजबूरन उसे फॉल्स देना पड़ा, तो मजबूरन उसे फॉल्स देना पड़ा. एंड सो ऑन. ये लास्ट वीक में इसको डिटेल में आपके पास समझा चुकी हूँ. अब चलते हैं आगे जल्दी जल्दी. ये टॉटोलॉजी पे भी हम लोग देख चुके थे. टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन ये दोनों एक साथ हैं. अगर हमारे पास है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन फॉर्म्स आर दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू फॉर एवरी स्टेटमेंट. अब वो ये बता रहा है कि आपके जितने भी ट्रूथ वैल्यूज हैं वो सारे के सारे ट्रू 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 निकलती जा रही है. तो हम ऐसे प्रपोजिशन को हम बोलते हैं टॉटोलॉजी. इसी तरह हमारे पास आ गया कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन के बारे में इज अ प्रोपोजिशनल फॉर्म ऑफ ऑफ दैट इज फॉल्स. मतलब ये बता रहा है कि आपने ट्रुथ टेबल बनाया, आपके फाइनल आंसर में क्या आता जा रहा है, सारा आंसर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कोई एक भी अंदर ट्रुथ नहीं आया, तो हम इसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन. अगर हमारे पास फाइनल आंसर में जैसे आपने ऊपर ट्रुथ टेबल्स बनाई थी, जो जो फाइनल आंसर बनता है उसमें अगर सारी वैल्यूज हमारी ट्रुथ ट्रुथ आई हैं, ट्रू ट्रू आई हैं, तो हम उसे बोलते हैं टॉटोलॉजी. सारी वैल्यूज अगर हमारी फॉल्स हुई है तो हम उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन. अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं. हाँ, तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि इस पूरे को, मतलब इस पूरे को जब आप एग्जीक्यूट करोगे, कंप्यूटर की जबान में कह रही हूँ, मतलब हम तो पहले क्या करेंगे, पी और क्यू दो स्टेटमेंट हैं. आप बोर्ड से देखें, पी आपने दो स्टेटमेंट्स का ये वैल्यूज ले लिए. कैसे लेते होते हैं, लेने का तरीका मैंने प्रीवियसली आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो आपने क्या करना है, ट्रू ट्रू दोनों को पहले ट्रू दो, किसी एक को फॉल्स दो, जैसे इसे फॉल्स दे दिया तो इसे ट्रू देंगे, अब इसे फॉल्स देंगे इसे ट्रू देंगे, अब दोनों को फॉल्स फॉल्स देंगे. इसी तरह अगर तीन होती तो हम क्या करते, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर हम क्या करते, फिर किसी एक को फॉल्स देते बाकी दोनों को ट्रू ट्रू देते. फिर अब अगर इसे फॉल्स दे दिया तो अब अगर नेक्स्ट वाले में इसे फॉल्स दो, नेक्स्ट वाले में फिर इसे फॉल्स दो, तो ये एक एक फॉल्स हमने कर दिया. फिर इसी तरह से ट्रू के साथ भी यही गेम चलाओ और फिर इसी तरह से फॉल्स फॉल्स सारों को दो. तो ये इस तरह से हम लोग चलते हैं. मैं कोशिश करूँगी पेन और कॉपी लेकर ना, आप लोग मुझे ड्यूरिंग लेक्चर कहिएगा कि जो डिफ़िकल्टी हो वो आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर बताइएगा. फिर मैं पेन कॉपी पकड़ के ना आप लोगों के लिए ना वहीं पे बैठती हूँ, क्योंकि लेक्चर के दौरान मैं फिक्स होकर बैठी होती हूँ, मैं आप लोगों का लेक्चर फिर से हिलती नहीं हूँ.
तो जब मैं उधर फिक्स होकर बैठी होती तो जो डिफिकल्टीज होती हैं वो आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर बताया करें, ताकि मैं पेन कॉपी पकड़ कर जो जो डिफिकल्टीज हैं उनके मैं बाय हैंड उनके नोट्स बना बना के आप लोगों को पिक्चर्स वहाँ पे सेंड करती रहा करूँ ड्यूरिंग लेक्चर। लेकिन जब आप लेक्चर से हट के उनसे पूछते हैं तो भाई मुझसे तो तब नहीं होता, मैं तो फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाला जाता मुझसे। चले खैर आगे चलते हैं। हमें हमें क्या कहता है, कहता है ये हमारे पास ओवरऑल इसका है आंसर इफ दिस इज श्योर नेट। आपने ये श्योर करना है कि ये पूरी स्टेटमेंट है इस टॉटोलॉजी के, इसका फाइनल आंसर टॉटोलॉजी निकलता है। ठीक है, पहले हम टुकड़े टुकड़े करके निकालेंगे। पी और क्यू कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पी और क्यू मतलब ये पी डिस्जंक्शन एंड क्यू, तो हम इसे इस आप इन दोनों का दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा आंसर ट्रू, ट्रू और ट्रू 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 दोनों फॉल्स है तो मजबूरन से फॉल्स देना पड़ा। तो आपने ये वाली चीज भी निकाल ली। आगे देखते हैं नेगेशन ऑफ पी, पी की नेगेशन आपने निकाली है, इसे ट्रू आ जाए इसे फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स ट्रू इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह क्यू की नेगेशन निकालनी है, फिर दोनों का एंड निकालना है, एंड आपको पता है कितना स्ट्रिक्ट बंदा है वो अकॉर्डिंगली निकल आएगा। तो आपने ये भी निकाल लिया, आपने ये भी निकाल लिया, अब इन दोनों का आपने इसका रिजल्ट और किसका रिजल्ट निकला और इसका रिजल्ट, इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपने क्या निकाला है डिसजंक्शन निकाला, तो आपका ये आंसर निकलेगा। और देख लो एंड में सौरभ का आंसर ट्रू 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 आया, तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा सच बोल रहा था कि इस पूरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, सारी वैल्यूज ट्रू वैल्यूज होती हैं, तो इट मीन्स ये पूरी स्टेटमेंट हमारे पास है टॉटोलॉजी। तो और फिर इसी तरह अब नीचे देखते हैं, वो कहता है बोथ, वो कहता है ये हो या ये हो, ये हमारे पास कंट्रडिक्शन है। तो ये हमारे पास, तो अब तक मैंने क्या बताया आपको, जितना मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसको मैंने सिर्फ रिव्यू करवा दिया। अब चलते हैं आगे, जैसे अब हमारे पास क्या कहता है कि इक्विवेलेंट, यहीं पे मैंने स्टॉप किया था तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। वो कहता है राइटिंग अ प्रूफ, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में हमें पता है हमारी सारी की सारी स्टोरी जो है, सारी की सारी गेम जो है वो हमारी प्रूफ राइटिंग पर है। इस सब्जेक्ट में हम लोग प्रूफ राइटिंग की आपकी बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, राइटिंग अ प्रूफ रिक्वायर्स द एबिलिटी टू कनेक्ट स्टेटमेंट्स। अब वो कहता है अगर प्रूफ लिखने के लिए हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी हो कि हम इस दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, या तो हम उसे कंजक्शन या हम उसे डिसजंक्शन, और इन चीज़ों के थ्रू हम इन्हें कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एबिलिटी क्या है, कनेक्ट स्टेटमेंट सो दैट द ट्रू द ट्रूथ ऑफ एनी गिवन स्टेटमेंट इन द प्रूफ फॉलो द लॉजिकली फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट इन द प्रूफ फ्रॉम नॉन रिजल्ट। अब अच्छा द और फ्रॉम बेसिक अजम्पशंस पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इज ability to recognize or write a statement equivalent or to other। अब वो कहता है हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो कि हम रिकग्नाइज कर सकें और हम लोग उस स्टेटमेंट को लिख सकें, मतलब इक्विवेलेंट टू अदर, कि हम एक स्टेटमेंट को दूसरे के इक्विवेलेंट, वो वाला होता नहीं है। हम जब प्रूफ, चले आप तो बच्चे हैं अभी, आप लोगों को नहीं पता, आगे जाके आप देखेंगे कि हम जब प्रूफ्स लिखते होते हैं तो उसमें एक टाइप होती है बीच में इफ़ एंड ओनली इफ आ जाती है, उसकी एक साइड होती है फिर दूसरी साइड होती है। और ये बड़ा फेमस ट्रिक है कि हम लोग ये करते होते हैं कि एक साइड को हम ट्रू मानते हैं और दूसरी साइड हम लोग निकालते हैं, ट्रू हम उसे बनाते हैं, इसी तरह फिर हम उसका कन्वर्स चलते हैं, फिर हम दूसरी साइड अब ट्रू मानेंगे और फर्स्ट साइड हम लोग निकाल के दिखाएंगे कि वाकई ये बंदा सच बोल रहा है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है जो, तो हम उन्हें दो बोलते हैं इक्विवेलेंट बोलते हैं, मैथमेटिक्स की जबान में इक्विवेलेंट बोलते हैं। समटाइम्स इट इज द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, दैट मे बी यूज टू फाइंड द यूजफुल इक्विवेलेंट। और चलो आओ इसको हम देखते हैं, जैसे हमारे पास दो प्रपोजिशनल फॉर्म्स हैं, दो प्रोपोजिशनल फॉर्म्स, प्रोपोजिशनल फॉर्म्स क्या होते हैं वो आप लोगों को पता है। अब हमने क्या कर रहा है, एक साइड पे ट्रूथ टेबल बनाई हुई है, दूसरी साइड पे ट्रूथ टेबल बनाई हुई है, और अब हमें ये कहा जाता है कि वो दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर हैं, इफ एंड ओनली इफ इफ दे हैव द सेम ट्रूथ टेबल्स। अगर उनकी ट्रूथ टेबल सेम हो गई तो हम उन्हें बोलते हैं कि यस ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इक्विवेलेंट है। अब ट्रूथ टेबल कैसे सेम होती है वो अब आपको विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर क्या है, कहता है द प्रोपोजिशनल फॉर्म्स ऑफ पी एंड निगेशन एंड निगेशन पी आर इक्विवेलेंट। आज भाई आपको दिखाती हूँ कैसे, ये देखो पी हमारे पास क्या है, या तो पी की वैल्यू हम, अब एक स्टेटमेंट है तो या तो इसका आंसर ट्रू आएगा या इसका आंसर
फॉल्स आएगा। अच्छा अब इसकी निगेशन आपने देखते हैं, निगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, तो ये निगेशन हमारे पास हो गया। अच्छा एक और मजे की बात देखो इसका, अगर मैं अगेन निगेशन निकालूं तो मेरे पास निगेशन निगेशन ऑफ पी, तो हमारे पास फॉल्स अब हमारे पास हो जाएगा, ट्रू ट्रू हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है अब जरा गौर से देखो, उसने यही नहीं बोला था, आसान अल्फाज में उसने ये नहीं बोला था, पी पी की ट्रूथ वैल्यूज ये, और निगेशन एंड निगेशन आपने निकाला वो हमारे पास है ट्रू फॉल्स, दोनों सेम है। वाओ तो अब वो उसने यही बोला था कि दो हमारे पास प्रपोजिशन फॉर्म्स ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी आर इक्विवेलेंट, तो वो हमारे पास हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या कहता है, द ट्रू टेबल्स फॉर दीज वैल्यूज मे बी कम्बाइंड वन टेबल कम्बाइंड वन, वो बता रहे हैं कि ये ट्रूथ वैल्यूज हैं, ये क्या करता है टेबल वन को कम्बाइंड कर रहा होता है टू शो दैट दे आर द सेम फॉर्म्स मे बी कम्बाइंड इन वन टेबल। वो कहता है हमने ट्रूथ टेबल्स इसी में ही कम्बाइंड कर ली है टू शो दैट, और दिखा रहे हैं इसी टेबल में हमने दिखा दिया है इनको, मतलब हमने अलग अलग ट्रूथ टेबल्स बना के नहीं दिखाए, लेकिन रूल यही है कि आप एक की टेबल अलग बना लें दूसरी की टेबल अलग बना लें अगर आप कन्फ्यूजन से अपने आप को बचा सकते हैं तो, या डिफरेंट कलर्स यूज कर लें, एक का रिजल्ट अगर आप एक ही टेबल में भी आप शो कर सकते हैं, एक का रिजल्ट आप एक कलर से शो कर लें दूसरे का रिजल्ट एक कलर से शो कर लें, अगर दोनों के जवाब सेम निकल आए तो फिर आप कहते हैं भाई यस दोनों स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। आगे चलो अब वो कहते हैं द फैक्ट इज दैट पी एंड निगेशन एंड निगेशन पी हैव द सेम वैल्यू। अच्छा चलो आगे चलते हैं, समटाइम्स सम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स दैट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग थ्योरम। अब हमें वो ये कहता है कि अब हमें ये कहता है कि ये पी हो गया, ये आपने हो गया, आपने ये शो करके दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है, इसी तरह से ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट शो करके दिखानी है, ये 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 बेस्ट तरीका ये है, एक साइड पे अलग टेबल ट्रुथ टेबल बना लें दूसरी साइड पे अलग ट्रुथ टेबल बना दें, अगर दोनों के जवाब सेम निकल आए तो आपने कहना है कि यस ये हमारे पास इक्विवेलेंट है, अगर ना निकले तो कहना भाई नहीं ये इक्विवेलेंट नहीं है। आगे चलो आगे चलते हैं, अब देखो वो देखो वो उसने सिर्फ एच पार्ट का इसने प्रूफ करके बताया, ये देखो एच पार्ट क्या था पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू और इनकी निगेशन, इनकी निगेशन ये, अब आप इसे कलर कर लें। अच्छा फिर अगला अगली उसने अगली भी इसी में ही डाल दिया, निगेशन पी निकाल लिया निगेशन क्यू निकाल लिया और दोनों का और निकाल लिया, वो देखो इसका जवाब दोनों सेम, तो आपने देख लिया कि यस हमारे पास होता है। तो इसी तरह आप ये सारे पार्ट की ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बना लिया, सेम बेशक सेम में बना लें या अलग अलग बना लें आप लोगों की मर्जी है, मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं करूंगी कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा चाहिए काम, तो आप जैसे मर्जी निकालें, आप सेम ट्रुथ टेबल से बना सकते हैं, आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। आगे चलें, आगे हमें क्या कहता है, आगे हमें क्या कह रहा है, should all propositions equivalent looking at अच्छा अच्छा चलें आगे चलें, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या कहता है, ये देखें वाह जी वाह। अच्छा डाइनल हमारे उसमें नहीं है, कोर्स कंटेंट में नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी वहां पे नहीं जाती, इक्विवेलेंस हमने देख लिया, कंट्रडिक्शन अब मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाती हूँ और डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ चलती हूँ ताकि हमारा इस वीक का जो काम है वो हमारा कम्प्लीट हो। ये डाइनल की ही चल रही है एग्जाम्पल चल रही है, आप लोगों को शौक हो जैसे वहां पर आपको पूरा ये देखें, चलो आगे एक्सरसाइज आ गई इसकी, आप लोगों को अगर शौक है बुक आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, आप लोग मतलब एक भी टॉपिक अगर छोड़ना नहीं चाहते तो वो आप लोग आप पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ तो मुझे सेपरेटली बताइएगा, जो मेरे मैं यूट्यूब पे बैठी होती हूँ वहाँ पे मुझे बताइएगा, वहाँ पे मैं सेपरेट लेक्चर इसका दे दूंगी, लेकिन आपके जो आईएसपीक्यूज में है ही नहीं तो इसलिए मैं वहाँ पे आपको नहीं दूंगी। तो अब एक और हमारे पास है एक्सरसाइज है 1.1, अब वो कहता है यूज योर नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, जैसे जो पीछे आप लोगों को मैंने स्टोरियाँ पढ़ पढ़ के सुनाई है, डिटरमाइन वेदर द ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये बतानी है कि ये जो स्टेटमेंट है या तो हमारे ट्रू है या फॉल्स है, आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके ये सारा कुछ हमें बताना है, तो ये हमारे पास है। अब आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं तो वो कहता है कि 11 इज ए रैशनल नंबर, क्या 11 रैशनल नंबर है, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अगर ये ट्रू है तो वो बताएं, ये फॉल्स है तो वो बताएं। क्वेश्चन नंबर वन है, आप लोगों ने पूरा करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहता है, ये वो कहता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोजिशन, अब ये बताओ पहले तो ये बताओ कि वो प्रोपोजिशन है या नहीं है,
अब आप लोगों ने देख लिया था अगर ट्रू उसकी आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो वो प्रोपोजिशन होगा. जिसका ना ट्रू है ना फॉल्स है उसको हम क्या बोलते थे, पैराडॉक्स बोलते थे. और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे ओपन द डोर. अब हमें क्या पता ये ओपन द डोर ट्रूथ स्टेटमेंट है या फॉल्स है. ये तो मैंने एक ऑर्डर जारी कर लिया, आई एम हैप्पी, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने पहले तो चेक करना है क्या ये ट्रू है या ये प्रोपोजिशन है या नहीं है. अच्छा अगर ये प्रोपोजिशन आपको पता चल जाता है प्रोपोजिशन है तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज भी आपने जरूर बतानी है. तो ये मतलब वन और टू, वन जो है टू जो है वन का कॉम्बिनेशन है इसमें. तो अभी ये आप लोगों ने इसके जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे करने हैं. फिर अभी ये कहता है थर्ड में कहता है कि ट्रूथ टेबल आपने बनानी है और ये हमारे पास उसने दे दिया है. ट्रूथ टेबल आप लोगों ने बनाने हैं, सारे के सारे पार्ट आप लोगों ने करने हैं. क्वेश्चन नंबर फोर आया. क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है हमने तीन वैल्यूज दे दी हैं ये सारी की. ये देखो पी क्यू आर यो वाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है. ये चलो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है. कैसे, पी क्यू आर आर ट्रू वैल्यूज वाइल एस एन टी आर फॉल्स. वो कहता है कि ये दोनों, ये तीनों जो है वो ट्रू हैं, एस और टी जो है वो फॉल्स हैं और आप लोगों ने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. तो इनमें से ये जो है वो कौन सा ट्रू बन रहा है ये अब आप लोगों ने बताना है. तो ये वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर. आप लोगों ने ये ट्राई करना है. अगर नहीं होता तो आप लोगों ने ड्यूरिंग लेक्चर मुझे आपने बताना है कि मैं तो नहीं कर सकता. ओ भाई वैसे इतना आसान है तू क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है थोड़ी सी अक्ल यूज करेगा ना तो आ जाएगा. आगे चलो और जैसे अब चलो पीछे अब बता देती हूँ. पीछे वो अपने पूरी सारी पॉसिबिलिटीज लेते थे, यहाँ पे उन्होंने खुद बता दिया है पी क्यू आर ये ट्रू है, एस और टी दोनों फॉल्स हैं. तो पेन और कॉपी पकड़ के बैठना और फिर भी ना हो तो फिर मुझे बताइएगा. आगे चलो क्वेश्चन नंबर फाइव चैलेंज होने से पत्नी थ्योरम. वो कहता है फलाने का फलाने यूज ट्रूथ टेबल्स प्रूफ टू प्रूफ. अच्छा 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 वाओ, मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव में ये कह रहा है वो जो ऊपर मैंने पार्ट आप लोगों को करने के लिए दिया है ना, वो कहता है उसके सारे पार्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे आप करें. वो जो जिसने एच वाला करके दिखाया था बाकी नहीं करवाया था. तो क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि ट्रूथ टेबल यूज करो और उसके सारे के सारे पार्ट मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट शो करना था वो आपने करके दिखाना है. तो क्वेश्चन नंबर फाइव मैंने ऊपर पहले ही आपको दे दिया था. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, हाँ इक्विवेलेंट आपने बताना है कि दोनों. ये देखो एक ये प्रोपोजिशन है ये प्रोपोजिशन है. वो कहता है पूछ रहा है आपसे क्या ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो बताओ मतलब दोनों की ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम आ जाती है तो इक्विवेलेंट, अगर सेम नहीं आते तो इक्विवेलेंट नहीं है. आगे चलो डिटरमाइन द प्रोपोजिशनल फॉर्म ऑफ एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से जिनकी भी इनकी प्रोपोजिशन फॉर्म या इनकी ट्रूथ वैल्यूज आप लोगों ने बतानी है. क्या ये प्रोपोजिशन है पहले तो ये भी देखो, अगर है तो फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बता देना, मतलब क्वेश्चन नंबर टू की तरह ये. आगे चलो क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में बता रहे कि ये प्रोपोजिशन फॉर्म है, इनकी हमने प्रोपोजिशन फॉर्म बनानी है. P इज इक्विवेलेंट टू टू एंड टू इज इक्विवेलेंट टू R, प्रूफ डेट हमने इसे प्रूफ करना है. P को टू के इक्विवेलेंट है एंड Q जो है R के इक्विवेलेंट है और हमने ये प्रूफ करना है Q इज इक्विवेलेंट टू P, P इज इक्विवेलेंट टू इसे कैसे शो कर सकते हैं हम. चलो क्वेश्चन नंबर फाइव को एट को जरा हम पेंडिंग पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में कह रहा है यूज द ट्रूथ टेबल्स आपने यूज करना है डिटरमाइन वेदर द आपने ट्रूथ टेबल्स यूज करनी है. मतलब ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट वो जो हमने ओवरऑल या तो वो टोटोलॉजी निकलेगा या वो कॉन्ट्रडिक्शन निकलेगा या तो इनमें आंसर टोटोलॉजी निकले. सारी ट्रू ट्रू वैल्यूज आ जाए तो कह दीजिएगा टोटोलॉजी, सारी फॉल्स फॉल्स आंसर आ जाए तो कह दीजिएगा कॉन्ट्रडिक्शन. तो क्वेश्चन नंबर नाइन भी ईजी है, ये आप लोगों ने करना है. एक ही एंड में जो रिजल्ट बनेगा उसी बात वो टोटोलॉजी बनेगा या वो कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा. आगे चलो आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में कहता है सपोज ए टोटोलॉजी है बी कंट्रोडिक्शन है, वाओ आर द फॉलोइंग टोटोलॉजीज एंड कंट्रोडिक्शंस और नीदर. ओ वाओ, अच्छा ए के बारे में कह रहा है टोटोलॉजी है मतलब इसकी सारी वैल्यूज ट्रू हैं इसकी सारी वैल्यूज फॉल्स हैं. अब वो कहता है कि नीचे देख के बताओ क्या ये वो टोटोलॉजी बन रहा है ये कंट्रोडिक्शन बन रहा है ये नीदर बन रहा है. चलो आओ ये देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है एंड एंड तो बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा है. वो कहता है कोई दोनों सच बोलेंगे तो मैं ट्रू दूंगा वरना मैं फॉल्स दूंगा. तो एक ने सच बोला एक ने झूठ बोला तो इसका आंसर वो बोला अकॉर्डिंग टू एंड एंड का जो भी रूल है अकॉर्डिंग टू डैट तो वो हमारे पास आएगा फॉल्स आएगा. जब इसका आंसर फॉल्स आ गया तो ये हमारे पास कंट्रडिक्शन बन गया.
अच्छा चलो अभी तो देखते हैं बी का कंट्रडिक्शन निकालेंगे. अच्छा बी हमारे पास फॉल्स है, इसका निगेशन निकालेंगे तो ट्रू बन जाएगा. तो दोनों ट्रू ट्रू हो गए तो ट्रू का एंड निकालेंगे तो इसका आंसर ट्रू बनेगा, मतलब ये टोटोलॉजी बन रहा है. इसी तरह ये फॉल्स है ये ट्रू है तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा हमारे पास, तो ये टोटोलॉजी बन रहा है. और फिर इसको भी आप लोग खुद देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया. आगे देखते हैं. अच्छा डाइनल तो हमारे उसमें था ही नहीं, स्कीम ऑफ स्टडी में था नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम स्किप करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारे पास हो जाएगी. क्या कहता है वो कहता है रिस्टोर पैरेंथेसिस ऑफ दीज, छोड़ें इसको छोड़ें, आगे चलते हैं. आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 313, ये भी छोड़ें से. चलिए ये भी हो गया हमारे पास. अब हमारे पास है कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल. चलें वो अभी नहीं है, कंडीशनल और बाय कंडीशनल हम इसे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. तो चलिए ठीक है बच्चों, इसी में अब नेक्स्ट लेक्चर से इसे कंटिन्यू रखूंगी. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा. चलिए ठीक है बच्चों, ओके अल्लाह हाफिज़.